में मैंने बताया था कि मछली पालन के लिए बीज बहुत जरूरी चीज है और उसको बनाने के लिए पोखर कैसे तैयार किया जाता है। आप यदि पोखर तैयार करना नहीं जानते हैं तो आपका बीज तैयार नहीं होगा। तो वो तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको खूब ध्यान से देखिए और उसको जान लीजिए। कहीं आपको असुविधा हो तो हमसे कंसल्ट कीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि उसमें कैसा स्पॉन, कितना कैसे डालिएगा और उसमें क्या क्या करना होगा, ये तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत जरूरी है। इस पर आप खूब गौर कीजिए क्योंकि असल चीज यही है। भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि आपको कितना स्पॉन डालना है और कैसा स्पॉन डालना है। आप यदि नदी का स्पॉन पाते हैं, नेचुरल स्पॉन पाते हैं, तो अति उत्तम। उस मछली का ग्रोथ माने सबसे अच्छा होता है, उससे अच्छा ग्रोथ किसी मछली का, किसी स्पॉन का, किसी फ्राई फिंगरलिंग का नहीं हो सकता है। तो आपको हमने जो बताया कि आपको कैसा स्पॉन चाहिए, यदि नदी का मिल गया तो नेचुरल स्पॉन मिल गया, आपको दूसरी बात सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस आपको नदी का तो टाइम पर मिलता है, मैच्योरिटी आती है, पानी फ्लड आता है, नदी का पानी बढ़कर जब घोला होता है तब बहुत देर से स्पॉन होता है। उसके पहले एक ऐसा स्पॉन होता है जो कि सेमी नेचुरल होता है, वो बांध ब्रीडिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। उसका तैयार करने का बहुत अच्छा तरीका है, कभी मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि बांध ब्रीडिंग का स्पॉन अच्छा होता है जो कि नेचुरल से थोड़ा सा कम होगा, उसका थोड़ा सा ग्रोथ कम होगा, लेकिन वो भी अच्छा बढ़ता है। और उस स्पॉन को पाने के लिए आप पता लगाइए हमसे या और किसी से, या अपने आप कहीं से पता लगा कर कि बांध ब्रीडिंग का स्पॉन कहाँ मिलता है। वो स्पॉन आपको तालाब से ही पैदा करके, तालाब में ही छोड़ करके बनाया जाता है और उसको मट्टी से संपर्क रख करके काम किया जाता है, हेचरी का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और बिना हेचरी के यदि आप उस स्पॉन को जो बनाए हैं उस स्पॉन को लाकर छोड़ते हैं तो उसका भी ग्रोथ कम नहीं होगा। तो उस स्पॉन को पाने के लिए हम बताते रहेंगे, अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। यदि मुझसे जरूरत होगा तो मैं ही दे दूंगा, ऐसा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उस स्पॉन को पाना चाहिए, तब आप उसको लाइए। वहां पर आपको पैकेट में बंद करके, जैसे कि पॉलिथीन बैग में 8 से 10 केजी पानी दे करके उसमें एक बाटी यानी 80 हजार से लेकर 1 लाख तक मछली पैकिंग करके आता है। यदि नजदीक है, यदि दूर है तो उसमें थोड़ा कम पैक होगा, नहीं तो 1 लाख तक पैक होता है। और आप उसको लाइए या मंगाइए, मंगा करके उस स्पॉन को आप छोड़ने की व्यवस्था कीजिए। जब वो स्पॉन देखिए आपका पोखर तैयार हो गया है, 2 दिन पहले जबकि आप क्लीनर देंगे उसके पहले आपको सोच लेना पड़ेगा कि हमारा स्पॉन आ जाएगा या नहीं। यदि आपका स्पॉन ठीक 2 दिन माने क्लीनर देने के बाद आपको मिल जाएगा, आप ला लेंगे, तो वैसे स्पॉन के आने की जब पूरा पक्का हो जाए तब आप उसमें क्लीनर दीजिए। अब क्लीनर दे करके आप उस स्पॉन को लाए, पैकेट आप पोखर के पार में ला करके पहले बोरी में रहता है आपका पॉलिथीन बैग भरा रहता है पानी से, उसमें स्पॉन दिया रहता है, उसको निकालिए और निकाल करके आप पोखर में अपना डाल दीजिए। पैकिंग अवस्था में 10 से 15 मिनट आप उसको उस पानी में रखिए चुभो करके। उसके बाद धीरे धीरे जबकि आपका पॉलिथीन बैग के भीतर का पानी और बाहर का पानी का टेम्परेचर एक हो जाए तो आप उसका आस्ते से मैंने रस्सी खोल दीजिए और आस्ते से उसको ढाल दीजिए, उसको अकला लीजिए यानी उसको खंगाल लीजिए ताकि स्पॉन नीचे जो कुछ अटक जाता है वो भी स्पॉन पानी में चला जाए। जब उसको इस तरह से ढालते ढालते आपने सारी बोरी को ढाल दिया तो आप एक बड़ी हंडी लेकर के उस पानी को पूरा डोलाइए ताकि पानी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाए, पूरा पानी में हलचल हो जाए। हलचल होने के बाद होता है क्या है कि ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मछलियां चारों तरफ फैल जाती है। इस तरह से आप डालिएगा तो मछली चालू होकर के पोखर में जाएगी, वो निश्चित रूप से सर्वाइव करेगी। अब है कि
कैसा स्पून लाइएगा, देखिए जब भी स्पून लेने जाइएगा तो उसमें आपको कतला मात्र 20-25%, रेहू आपका 50-60% और 30-40% तक ही मिर्का रहना चाहिए। ऐसा डालिएगा तो आपका रेशियो ठीक होगा और मछली का कॉम्बिनेशन ठीक होगा। कहीं भी मछली ट्रांसफर कीजिएगा, उस पालन के लिए आप दीजिएगा, माने धारी से फ्राई और फिंगरलिंग बना करके, तो आपका पोखर में मछली का ग्रोथ कभी मार नहीं खाएगा, हर तरह से ठीक रहेगा। क्योंकि कतला यदि आप ज्यादा देंगे तो कतला का ग्रोथ कम जाएगा, रेहू खाली बेसी दीजिएगा तो उसका ग्रोथ कम हो जाएगा, क्योंकि मछलियों का खाना अलग अलग है। कतला ऊपर का खाना खाता है, रेहू मिडिल पोर्शन का खाना खाता है, बीच का पोर्शन का खाना खाता है, और मिर्का जो है वो नीचे स्तर का खाना खाता है। इसलिए सब समय आप कॉम्बिनेशन मिला करके कि रेहू आपका 50-60% और मिर्का जो है वो 30-40% और कतला 20% या उससे भी थोड़ा कम हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन 20-25% भी छोड़ते हैं तो ठीक है, इतना ही मछली छोड़िए। और जो तरीका मैंने बताया कि बेग ला करके आप टेम्परेचर एक करके खोल करके स्कटर कर दीजिए, इस तरह से ढाल दीजिए। ढालने के बाद भी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है, अपने नर्सरी टैंक को मछली तो डाल दिए, एक घंटा के भीतर उसमें 4-5 साइज के अनुसार, जैसे कि 10 कट्ठा टैंक में 2-3 लाइफ बॉय साबुन, आधा केजी आपका सरसों तेल, और यदि आपका 1 बीघा वाला टैंक है तो उसमें 2 केजी आपका सरसों तेल और 7-8-10 मतलब कि आपका लाइफ बॉय साबुन और 10-15-20 आपका मुर्गी का डिम, ये दे करके फोड़ करके मिला दीजिए और पूरा साबुन को तेल को एकदम पूरा मैंने मिचला करके मिस दीजिए और पूरा घाट करके उसको फेना तैयार कर दीजिए। अब फेना तैयार करके आप 1 घंटा के अंदर ही चारों तरफ आप पोखर में छेद दीजिए। इससे क्या होगा, मछली जो आपका कुछ स्पोन कमजोर हो जाता है, उसको चोट लगा रहता है या वो ज्यादा मतलब कि आपका पावरलेस हो जाता है, वो भी स्पोन आपका ये जो आप छिड़किएगा तो ऊपर लेयर एक ठो बनेगा, उस लेयर के साथ वो जरा सा संपर्कित होगा तो वो मछली भी सरवाइव करेगा, नष्ट नहीं होगा। और पानी तेल देने से आपका ऊपर का लेयर जो साफ होगा तो ऑक्सीजन सर्कुलेशन भी ज्यादा होगा और पानी भी ऐसा हो जाएगा कि मछली के लिए उपयुक्त हो जाएगा। ये सब चीज प्राकृतिक बनाया हुआ चीज है, प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक रूप से ये तैयार किया हुआ, मैं शुरू से तैयार करता हूँ। मेरा 1000 पार्टी है, जिस पार्टी को मैं सजेशन देता हूँ उसमें 1% पार्टी भी फेल नहीं होता है, सब सफल होते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा होता है। कोई यदि भूल से गलती करता है तो उसका फ्राई फिंगरलिंग या धानी आपका कम होगा, लेकिन यदि ठीक ठीक आप ऐसा काम कीजिएगा तो आपका हर तरह से संख्या ज्यादा होगा, ज्यादा परिमाण में ज्यादा संख्या में आपका धानी होगा, फ्राई होगा, फिंगरलिंग होगा, आप कभी फेल नहीं होइएगा। और कभी भी आप मछली जब छोड़िए तो ठीक 4 दिन के बाद खाना देना शुरू कीजिए, क्योंकि उसके पेट में 3 दिन का खाना वहीं से रहता है जहाँ से वो पैदा होता है, 3 दिन के बाद ही उसको खाना देना शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा सिर्फ खल्ली, सरसों का खल्ली, जैसे कि आपका 10 कट्ठा का टैंक है उसमें 2 केजी खल्ली फुला कर रखिए 2 दिन और उसके बाद पतला करके चारों तरफ छेड़ दीजिए। 1 बीघा टैंक में 4-5 केजी खल्ली आप भिजा कर रखिए 2 दिन और उसमें तब आस्ते आस्ते छेड़ दीजिए पतला करके। और 3 बीघा का टैंक में यदि आप स्पोन छोड़े हैं तो उसमें आपका 10 केजी खल्ली 12 केजी खल्ली फुला करके 2 दिन रखिए और 2 दिन के बाद उसको आस्ते आस्ते चारों तरफ पतला करके छेड़ दीजिए। इससे क्या होगा, उसको खाना मिलना शुरू हो जाएगा और ठीक 4 दिन बाद आप ये जो रेशियो है खाना का जो परिमाण है वो देते रहिएगा। देते देते आपको जैसे जैसे मछली बड़ी होगी थोड़ा थोड़ा खल्ली बढ़ाते रहिएगा। जैसे जहाँ 2 केजी देते थे वहाँ 3 केजी, 4 केजी देते थे वहाँ 6 केजी, 6 केजी देते थे वहाँ पर 8 केजी, 10 केजी दीजिएगा। इस तरह से परिमाण बढ़ाते रहिएगा। 15-20 दिन होने के बाद आपका जो धानी है वो 2 एकड़ का यानी करीब करीब 2 इंची का हो जाएगा और 2 इंची का जब हो जाएगा तो उस मछली में शक्ति हो जाएगा, पावर हो जाएगा। आप उस मछली को आस्ते से जाल लगा करके
आप समूचे जाल को जुटा करके आस्ते आस्ते उठाइए, कहीं मोड़ ना हो जाल का, आस्ते आस्ते उठा करके एक जगह जमा कीजिए और बड़ा गमला लेकर के हांडी में पानी लेकर के उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी सहित मछली को उठाइए और हांडी में डालिए और उसको डोलाते हुए आपका जैसे रेयरिंग टैंक है जहाँ की आप फ्राई बनाइएगा उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए, घबराइएगा नहीं, बेसी मत दीजिएगा। यदि बेसी देकर ले जाइएगा तो थोड़ा देर में ही मछली मर जाएगा, और मछली को डोलाते हुए ले जाइएगा ताकि मछली नीचे बैठा रहे, मछली को फंसने नहीं दीजिएगा। जब भी फंस जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन सर्कुलेशन कमी हो गई, वो मछली हपस जाएगा, वो मछली मर सकता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हांडी में थोड़ा थोड़ा 2 केजी 2.5 केजी या 1.5 केजी ले जा करके उस पोखर में छोड़िए। छोड़ने में आपको भले ही समय थोड़ा लग जाए, लेकिन ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कि एक एक भंडी में आप 5-7 केजी पूरा भर लिए और मछली घना हो गया, वो मछली चोट खा करके मर सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ले जा करके रेयरिंग टैंक में रखिए। फिर रेयरिंग टैंक से भी आपको फिंगरलिंग बनाने के लिए, जैसे 3 से 4 इंची बनाने के लिए आपको जो पालन पोखर होता है, जो कि रेयरिंग से फिंगरलिंग बनाने का पोखर होता है, वो बड़ा होगा, उस बड़ा पोखर में आप वहां भी थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए। जैसे कि यदि आपका सुविधा है तो गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी में पोलथीन दे करके उसमें पानी ठेवना भर लीजिए, 1.5-2 फीट भर लीजिए और उसमें आप मछली 1 मन 2 मन मैंने उतना ही बेसी नहीं उस गाड़ी में बेलोरो गाड़ी में भर करके आप ले जा करके आप फिंगरलिंग बनाने वाला पोखर में आपका पलन पोखर में ले जाकर डालिए। और डालने के बाद ठीक 45 दिन के शेष माथा पर यानी 45 दिन के बाद आप उस मछली को उठा करके आप झील में, बिल में, डैम में, बड़े से बड़े एरिया में आप छोड़िएगा, आपका मछली 80-90% सर्वाइव करेगा, वो मछली मरेगा नहीं, क्योंकि वो गुड कंडीशन में है, उसको किसी तरह का हफसाने का यानी पावरलेस होने का मौका नहीं मिला, वो मछली आपका बिल्कुल ताजा है, तेज है। और वो तेज अवस्था में यदि आप बिल में, झील में या डैम में देते हैं तो वो मछली आपकी पूरी की पूरी मछली जिंदा जाकर बिल में पहुंचेगी और वहां बच जाएगी। यदि आप दूर से कैरी करके लाते हैं तो उस मछली का जो पिछला पदार्थ होता है, लार होता है, वो लार झड़ जाता है। यदि आपको दूर से लाना है तो वो मछली डोलाते डोलाते आपका उसका लार झड़ते झड़ते लार खत्म हो जाता है। और जिस मछली का लार खत्म हो गया या कम गया, जिंदा अवस्था में तो डालिएगा, देखने में लगेगा जो हमारा बिल में, डैम में या बड़े झील में हमारा जिंदा मछली चला गया, लेकिन उसमें 75% मछली या ऐसा हो सकता है जो सभी का सभी मछली आपका जिसमें कि आपका टेम्पर नष्ट हो गया हो वो मछली नष्ट हो जाएगी। और जब भी मछली छोड़े तो वैसा यदि आपके पास व्यवस्था है तो बड़ा एक पात्र में आप 1 मन 1.5 मन 2 मन पानी ले लीजिए, उसमें 2-4-5 केजी नमक दे दीजिए और उस साल्ट को पूरा घोल दीजिए, उस नमक को घोल दीजिए और आपका 10 से 18 मर मछली उठा उठा करके उसमें चुभाइए और तुरंत पानी में फेंकिए। देर नहीं होना चाहिए, 5 सेकेंड भी देरी नहीं होना चाहिए, तुरंत चुभाइए और पानी में फेंकिए। इस तरह करके आप सारी मछलियों को यदि आप नीमक के पानी में डुबा डुबा कर छोड़ते हैं तो उसमें आपकी 2-4% भी मछली नष्ट नहीं होगी, उसका स्लाइन ट्रीटमेंट हो गया और मछली बिल्कुल अच्छी कंडीशन में जाकर के बिल में पड़ेगी और सभी सर्वाइव करेगी और वो मछली आपको जिंदा अवस्था में बिल में रहेगी। ऐसा मैंने बताया जो कि मैं करता हूँ, मेरे पार्टी लोग करते हैं, मेरे सामने करते हैं, मैं करवाता हूँ, इसमें किसी तरह का दाग नहीं लगता है, किसी तरह का मोर्टलिटी नहीं होता है। इस तरह से भाइयों यदि आप मछली के पालन में आप बीज का ट्रांसफर अपने बिल, झील या मैंने डैम में करते हैं तो आप कभी मार नहीं खाइएगा। और नहीं तो वो जो कैरी करके लाते हैं उसमें भाई बहुत तरह की संभावना होती है कि आपका मछली मर जाए। ये मैंने बताया, ये मेरा किया हुआ है, आप भी इसको सीखिए ठीक से, हमारे वीडियो को गौर से देखिए और यदि मेरा ये वक्तव्य आपको विश्वसनीय हो, अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाकर मेरे सहयोग में रहिए। इसमें किसी तरह की भी समस्या आपको पैदा हो तो मैं आपको हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कमेंट करके, फोन करके आप मेरा सहयोग ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।